जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं नीट का एक अपडेट आया है उसके बारे में। आपको बता दे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके लिए सबसे ज़्यादा बच्चे अपियर होते हैं, लगभग 16 से 17 लाख यानी कि 16 से 17 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में अपियर होते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके रिलेटेड जानकारियाँ रखना, क्योंकि छोटी छोटी जानकारियाँ कब काम आ जाए कोई नहीं जानता। तो ये कौन कौन से क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जो 9th में पढ़ते हैं, 10th, 11th, 12th, इसके लिए तो इम्पोर्टेंट है। और जो जूनियर या बहुत ज़्यादा सीनियर क्लासेज में है तो वो उनको जानकारी के पर्पज़ से यूजफुल हो सकता, नहीं तो वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अपना टाइम को सेव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ अपडेट है। और आपको इसको स्टार्ट करने से पहले बताते हैं कि ये 19 मार्च दोपहर का ये अपडेट है। तो चलिए देखते हैं। ऐसे तो अपडेट ये पहले आ गया है, पर इस आर्टिकल जेई न्यूज़ का ये है आर्टिकल। क्या जेई मेन की तरह साल में 2 बार होगी नीट यूजी की परीक्षा, जाने सरकार का जवाब क्या था। क्योंकि ये एक ही एग्ज़ाम कराता है। नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट, यूजी। यूजी भी आप यहाँ पर ऊपर देखे होंगे, तो आपको हम यूजी का मतलब ही बता देते हैं। एक होता है नीट यूजी और एक होता है नीट पीजी। तो एक ग्रेजुएशन के पहले होता है अंडर ग्रेजुएट, एक होता है पोस्ट ग्रेजुएट। एक 12th का एग्ज़ाम जिस समय होता है उसी समय इंटर के बाद अब देते हैं नीट यूजी, और नीट पीजी कब देते हैं? ग्रेजुएशन के बाद। तो ये सीनियर जूनियर क्लासेस के लिए है। नीट की मुद्दा से बात करें तो चलिए देखते हैं क्या कुछ अपडेट है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, जो कि जेई मेंस एडवांस का भी एग्ज़ाम यही ऑर्गेनाइजेशन करवाता है, पर नीट यूजी का एग्ज़ाम NTA और इसके साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन कराता है जो कि है नेशनल मेडिकल कमीशन NMC। तो NTA और NMC इस एग्ज़ाम को करवाता है। आपको बता दें कि ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा, कुछ जनरल नॉलेज के लिए भी। जैसे आपको यहाँ पर शायद पहली बार नाम सुन रहे होंगे, नेशनल मेडिकल कमीशन NTA तो खैर फेमस है, तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो NTA और NMC की नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट नीट यूजी को साल में 2 बार आयोजित करने की कोई योजना नहीं है। इससे साफ होता है कि सरकार इसे ऐसे इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया है, इसको 2 चरणों में 2 स्टेज में कराने का सोचा नहीं है। तो आगे क्या देखते हैं क्या कुछ बातचीत हुआ है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री MOS यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में एक प्रश्न, जैसे यहाँ पर लोकसभा आया तो यहाँ पर कई सारे पॉलिटिक्स के शब्द यहाँ पर प्रयोग होंगे, पर इसमें उलझना नहीं है क्योंकि हमारा काम का नहीं है। तो लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इसे जानकारी को साझा किया, सांसद रमेश चंद बिंद ने प्रवेश परीक्षा को लेकर कई सवाल उठाए थे। कौन सांसद? ये हैं रमेश चंद बिंद ने प्रवेश परीक्षा को लेकर कई सारे सवाल उठाए थे नीट यूजी के बारे में, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या सरकार ज्वाइंट इंट्रेंस टेस्ट यानी जेई, इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जेई मेन की तरह, जैसे आप जानते होंगे कि जेई मेन होता है, उसके बेसिस पर कुछ कॉलेजेस मिल जाते हैं। नीट, IIT, IITI ये सब छोटे कॉलेजों में आपको एडमिशन मिल जाता है जेई मेन की ही थ्रू, पर आपको IIT यदि जाना है तो आपको जेई एडवांस पास करना है। तो जेई मेन में क्या किया जाता है कि जो छात्र उतना भी तेज नहीं है तो वो जेई मेन के साथ ही कॉलेजेस ले लेते हैं, और जो IIT जाना चाहते हैं और वो एडवांस देकर जाते हैं। तो जेई मेन, जेई एडवांस जैसे 2 चरणों में होता है, उसी प्रकार इसका भी कुछ बात है क्या। तो किस तरह साल में 2 बार नीट यूजी की परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर रही है। तो देखते हैं क्या विचार है। बिंद जो कि सांसद हैं ने पूछा कि क्या नीट यूजी साल में 2 बार आयोजित किया जाएगा। दरअसल उन्होंने कहा कि नीट उम्मीदवारों जो छात्र हैं जो इच्छुक हैं नीट को देना चाहते हैं तो नीट उम्मीदवारों को स्ट्रेस और डिप्रेशन से बचाने के लिए यह कदम उठाना चाहिए। देखिए आपको काफ़ी क्लैरिटी के साथ समझाते हैं। एक ही एग्ज़ाम है उसमें टफ आता है, काफ़ी टफ एग्ज़ाम है। 16 से 17 लाख बच्चे अपियर होते हैं तो इसमें यदि नहीं हुआ तो उनका टाइम तो बर्बाद हो गया। छोटे कॉलेजेस में ही नहीं ले सकते हैं क्योंकि गरीब छात्र बहुत महंगा कॉलेजेस होता है। तो एक ही एग्ज़ाम है, 2 एग्ज़ाम जैसे जेई मेंस जेई एडवांस है तो जेई मेंस में वो के थ्रू छोटे कॉलेज ले सकते हैं पर इसमें उनको काफ़ी दिक्कत हो जाता है तो वह स्ट्रेस डिप्रेशन में चल जाते हैं। तो आगे देखते हैं क्योंकि केवल एक ही प्रयास में इसका ठिन प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटेटिव को क्रैक करना काफ़ी मुश्किल होता है और साथ ही छात्रों को एक पूरा साल भी बर्बाद हो जाता है यदि वो इस एग्ज़ाम को पास नहीं करते हैं। तो अपने जवाब में मंत्री भारती प्रवीण ने कहा कि नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी अधिनियम एक्ट, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 की धारा 14 एक धारा होता है नियम, इसके इसी के थ्रू चलता है सिस्टम। तो 2019 की धारा 14 द्वारा अनिवार्य नीट ने संभावित छात्रों पर कई प्रवेश परीक्षाओं में उपस्थिति होने का बोझ पहले ही काम कर दिया गया। कई सारे एग्जाम है जहां पर छात्रों को उसके हिसाब से वो चाहते हैं जैसा उनको सुविधा प्रदान पहले ही कर दिया गया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह परीक्षा देश भर में चिकित्सा पाठ्यक्रमों यानी मेडिकल कोर्सेज, पाठ्यक्रमों मतलब कोर्सेज होता है तो चिकित्सा मतलब मेडिकल, तो मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश पाने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों के लिए एक उचित और समान अवसर प्रदान करता है। तो आगे देखते हैं मतलब कि सारे छात्र का एक ही एग्जाम है तो ये सारे के लिए अवसर प्रदान करता है, समान अवसर। बता दें कि लिखित उत्तर में कहा गया है नीट मेरिटोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी का आपको समझाते हैं। मेरिटोक्रेसी क्या होता है, जैसे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। स्कूल में क्या होता है जब आप 8वीं 9वीं में पढ़ते हैं तो टीचर गेट से बाहर गए और इधर छात्र कॉपी इधर उधर करने लगा तो इसमें कैसे गड़बड़ी होता है। तो देखिए हमेशा सेंटर ज़रूरी नहीं है कि सेंटर वाले लोग ईमानदार ही हैं तो वो मिली भगत कर देते हैं और वहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं। एक ही एग्ज़ाम है, अगर 2 एग्ज़ाम रहता तो काफ़ी उनको मुश्किल होता। तो इसमें मेरिटोक्रेसी यानी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा ना कोई फ्रॉड हो, इधर उधर ज़्यादा ना हो। तो नीट मेरिटोक्रेसी को बढ़ावा देने वाला एक ऐतिहासिक सुधार है और मेधावी छात्रों को देश के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश पाने का अवसर प्रदान करता है। ये नीट एग्ज़ाम उनको सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थानों, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में प्रवेश पाने का अवसर प्रदान करता है। इसके परिणाम स्वरूप मेडिकल एडमिशन और अधिक पारदर्शिता में कदाचार पर अंकुश लगा है, जो इधर उधर करते हैं उन पर रोक लगा है। और देखते हैं मंत्री की प्रतिक्रिया से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्ष में 2 बार नीट यूजी आयोजित करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि साफ मना कर दिया है। नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने सूचित किया है कि एक वर्ष में 2 अवसर प्रदान करने के लिए नीट यूजी परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। देखिए आपको हम बताते हैं 17 लाख छात्र है, पैसा भी तो खर्च होता है। हाँ ये भी कहे कि छात्र को पैसा अमाउंट पे करता है रजिस्ट्रेशन टाइम, फिर भी इसको उजलाझना नहीं चाहता, चीज़ों को सिंपल रखना चाहता है। इसीलिए ये इससे आपको क्या मदद मिला कि 2 बार तो नहीं होगा अभी के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।